Anji, so we are back with another show. Agaman here, and I welcome you to this day's match updates. तो जी जनाब, सबसे पहले सर्बिया वर्सेस कैमरून। अब किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि सर्बिया वर्सेस कैमरून इस वर्ल्ड कप का सबसे एक्साइटिंग मैच दिखाने वाले हैं। लेकिन आज ऐसा ही हुआ। जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे लगा कि बहुत ही बोरिंग मैच होगा। पहले जो है अपना एक गोल हो गया कोई 29वें मिनट में, फिर उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब पूरा हाफ गुजर गया बोरिंग। और फिर जैसे जब हाफ खत्म होने लगा, 45 मिनट्स हो गए, तो उसके एक्स्ट्रा टाइम में पहले एक गोल पड़ा और फिर दूसरा गोल पड़ा और यूं 2-1 हो गया स्कोर। और फिर उसके बाद जब वापस से हाफ टाइम के बाद मैच शुरू हुआ तो फिर 2-1 से 3-1 हो गया मैच शुरू होते ही। और मजे की बात, फिर 66 मिनट में कैमरून ने जो है अपना 3-1 से मतलब 3-2 किया। और 63 मिनट में एक गोल किया, 66 मिनट में दूसरा गोल किया उस हाफ में। तो यूं कैमरून ने भी 3 गोल कर दिए और सर्बिया के भी 3 गोल हो गए। और जो है बिल्कुल टाई हो गया मैच। और किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा कि इस मैच में 6-6 गोल्स देखने को मिलेंगे। और वो भी कि किस तरह के, पहले कैमरून लीड में है और वो सर्बिया जो है बिल्कुल फर्स्ट हाफ के खत्म होने से पहले पहले 2 गोल मार देता है और फिर 2-1 होके एक आप एक पूरा हाफ आप एक लीड में, अचानक से आप लीड में नहीं है, अब 2-1 से आप पीछे लैग कर रहे हैं। जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ है तो फिर एक और सर्बिया ने गोल मार दिया। और अच्छा, अब गोल्स किस तरीके के थे, अब वो इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले तो जी हेडर पे एक गोल हुआ है, वो सीधे सीधे कॉर्नर आए हैं, कॉर्नर से उन्होंने अटेम्प्ट किया है सर्बिया ने, और वो हेडर किया उन्होंने। और फिर एक बंदा फिनिशिंग के लिए खड़ा हुआ था बिल्कुल गोल पोस्ट के पास, उसने अंदर वहां से बॉल कर दी। अच्छा, फिर ये तो एक इंटरेस्टिंग गोल था ऑब्वियसली कैमरून का। फिर एक सर्बिया का एक सेकंड गोल था जो कि हेडर से था, क्लियर कट बॉल आई और उसने हेडर मारा है क्लियर और सीधी गोल के अंदर। और फिर मतलब तीनों गोल जो थे ना सर्बिया के, वो टेक्निकल थे। कैमरून कहीं से भी कम नहीं था। कैमरून का सबसे जबरदस्त गोल जो है वो ये था, गोल नंबर 2 उनका जो कैमरून ने मारा था सेकंड हाफ में 63rd मिनट पे। और से कंट्रोवर्सी भी हुई कि उस वक्त ऐसा लगा कि भाई ऑफसाइड हो गई है, लेकिन वो फिर वो ऑडियो वीडियो जो असिस्टेंस होती है उसकी तरफ भागे गए रेफरी और ये कंफर्म किया कि ऑफसाइड नहीं थे, ये बिल्कुल हाफ लाइन के पीछे से बॉल पास की थी। और जो है सर्बिया के जो आप कह लें जो हाफ है उस तरफ बॉल गई और एक अटैकर बिल्कुल अकेले निहत्ते बगैर किसी डिफेंडर की परेशानी के भागते हुए गए। और उन्होंने बॉल भी उन्होंने बहुत ही सुकून के साथ 4 सेकंड लेके, जब तक गोलकीपर भी आगे भाग के आगे, उन्होंने गोलकीपर के सर के ऊपर से बॉल जो है ना बिल्कुल जैसे टिप करते हैं बहुत स्लो मोशन में उन्होंने टिप की बॉल, बॉल एक बाउंस लेके गोल के अंदर जाके बाउंस होके गोल के ऊपर वाले नेट वाली साइड पे आकर टकराई है। तो ये बहुत ही स्लो मोशन वाला गोल था। गोलकीपर भी भाग के उनके पीछे उन्होंने आने की कोशिश की लेकिन बहुत दूर थे वो बॉल से, बहुत ज्यादा बॉल ने डिस्टेंस कवर कर लिया, कोई चांस नहीं था बचाने का गोल। और ये बहुत जबरदस्त गोल था। ओवरऑल जो है मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैच था। मत मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा एक्साइटिंग मैच। आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। खैर बोंगी साइड, ये जो है बहुत जबरदस्त मैच था। और अगला मैच भी ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें टीम घाना प्ले करेगी एंड घाना इज नोन फॉर इट्स वेरी नाइस ऑन द ग्राउंड सेलिब्रेशंस। तो लेट्स होप आज घाना को भी सेलिब्रेट करने का मौका मिले। तो वील बी बैक विद द नेक्स्ट मैच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।